और यहां पर आपको बताएं कि अफगानिस्तान की 5 नौजवान इंजीनियर लड़कियों ने पुरानी गाड़ी के पुर्जों को जोड़कर बहुत ही कम कीमत और सादा सा वेंटिलेटर तैयार कर लिया। जहां कोरोना दुनिया भर में खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ है, वहीं कुछ लोग अपनी हिम्मत और जहानत के बल बूते पर इस वबा से निपटने के लिए अपनी भरपूर सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही काम अफगानिस्तान की 5 नौजवान इंजीनियर्स लड़कियों ने किया है, जिन्होंने पुरानी गाड़ी के पुर्जों को जोड़कर बहुत कम कीमत और सादा सा वेंटिलेटर तैयार कर लिया है। फीमेल रोबोटिक टीम की सरबरा इंजीनियर रोया महबूब ने कहा है कि ये वेंटिलेटर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बनाया गया है। हमारी टीम में 14 से 17 साल की 5 लड़कियाँ शामिल हैं। इनका ताल्लुक टेक्निकल तलबा की एक टीम से है जो अफगान खातीन के ख्वाब के नाम से मशहूर है। This ventilator that we are designing is only for the emergency case when there is a shortage of the professional or advanced ventilators, and it only should be used by physicians, and there should be a doctor or physician to use this. रोया महबूब ने मजीद कहा है कि हमारी टीम मकामी सेहत के माहरीन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहरीन के साथ मिलकर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिजाइन की बुनियाद पर प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए काम कर रही है। अफगान इंजीनियर्स लड़कियों ने कहा है कि आलमी दराय सेहत और वजारत सेहत ने टीम के प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी है, तो उसे कम अज कम $300 में तैयार किया जा सकता है।